अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ चेस्ट पेन के बारे में, दिल छाती का जो दर्द है उसके बारे में, कि चेस्ट पेन किसकी वजह से हो सकता है। दिल के दौरे की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी दिल चेस्ट पेन हो सकता है, या इसके अलावा जो दिल का दौरा है हार्ट अटैक उसकी वजह से भी दिल का दौरा सॉरी चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन चेस्ट पेन की नोयत जो है ना, उसको देखना ज़रूरी होता है कि ये दर्द किस नोयत का है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप जल्द अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो डायग्नोज कर सके कि आपको ये पेन क्यों हो रहा है। लेकिन इसके अलावा चेस्ट पेन नमूनिया की वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से, या टीबी हो, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन इसकी जो नोयत, दर्द की नोयत होती है, वो दिल के दौरे का जो दर्द है, या हाइपो ब्लड प्रेशर की वजह से भी, हाइपर ब्लड प्रेशर की वजह से जो दर्द होता है, इसकी वजह से जो जो दर्द है चेस्ट पेन फेफड़ों की वजह से होता है, इस की जो दर्द की नोयत होती है वो इन में मुख्तलिफ किस्म का दर्द होता है। इसकी जो नोयत होती है वो मुख्तलिफ होती है दिल के दौरे की निस्बत। तो क्योंकि ये जो आपने डॉक्टर डायग्नोज कर सकता है कि उसकी जो दिल की जो रेडिएशन होती हैं वो कहाँ कहाँ फेंकती हैं, उसका जो दर्द है वो किस तरफ से, कहाँ से किस तरफ जा रहा है, वो दर्द की नोयत को देखना पड़ता है। और इस दर्द का जो रिलेशनशिप है वो सांस के साथ कैसा है, सांस अंदर खींचने से दर्द बढ़ता है या उसकी नोयत में कमी आती है, या इसके अलावा कुछ और अलामात भी हो सकती हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं। इसी तरह दर्द की जो शिद्दत होती है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस किस्म का दर्द हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दर्द हो, तो जो कोरोनरी वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज की वजह से हार्ट पेन हो सकता है, दिल में दर्द हो सकता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है कोरोनरी ब्लॉकेज की वजह से जो पेन होता है उसमें दबाव पड़ता है। अगर आपको दबाव के साथ दर्द हो रहा है तो ये हार्ट की वजह से दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, और ये दिल के दौरे को भी शो करता है। इसके साथ आपको इस पेन के साथ, दबाव के पेन के साथ आपको उल्टी मतली हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, या ठंडे पसीने भी आ सकते हैं। इसमें आपका ब्लड प्रेशर हाइपर हो सकता है, हाई हो सकता है। तो ये दर्द गर्दन की तरफ भी जा सकता है, जो हाइपर ब्लड प्रेशर की वजह से दर्द होता है ये जो आपका लेफ़्ट बाजू है उसकी तरफ भी जा सकता है। गर्दन के जो पट्टे हैं उसमें खिंचाव आ सकता है, दबाव आ सकता है, या ये दर्द पीछे कमर की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो अलामत हैं ये दिल की अलामत हैं, आपके हार्ट की वजह से आपको पेन हो सकता है। तो इस वीडियो का बनाने का ये मकसद है कि जो हर चेस्ट पेन होता है वो दिल से रिलेटेड नहीं होता। दिल से रिलेटेड यही पेन होता है कि आपको अगर दिल का दर्द हो रहा है तो इसमें आपको दबाव के साथ दर्द होगा, और दर्द सीधा गर्दन में जा सकता है, या पीछे की तरफ जा सकता है, या लेफ़्ट बाजू में भी पेन हो सकता है, और इसके साथ मतली उल्टी भी हो सकती है, और इसके अलावा आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं। ये दिल का दर्द है, अदरवाइज़ आपको जो कोई पेन, चेस्ट पेन हो रहा है तो वो फेफड़ों की वजह से भी हो सकता है, टीबी की वजह से भी हो सकता है, नमूनिया की वजह से भी हो सकता है, या गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। व्यूअर्स, छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।